नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म, आज शाम तक निगम मंडल की पहली सूची हो सकती है जारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास में विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। बताया जा रहा है कि बैठक में निगम मंडल की नियुक्ति को लेकर मंत्रणा की गई। अब ये कयास लगाया जा रहा है कि आज शाम तक निगम मंडल के लिए नेताओं की पहली सूची जारी की जा सकती है। कवर्धा जिले के 2 सैलून संचालक पाए गए कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आ चुके हैं 100 से ज्यादा लोग। कवर्धा में 2 सैलून संचालकों के पॉजिटिव निकलने के कारण चिंता बढ़ गई है। बिना ट्रैवल हिस्ट्री के ही संक्रमित सैलून संचालक अब तक दोनों अलग अलग सैलून दुकान से 100 से अधिक लोग संपर्क में आ चुके हैं। सैलून संचालकों ने दुकान में आने वालों का रिकॉर्ड नहीं रखा था। अब सैलून संचालकों के अनुसार लोगों की पहचान की जा रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का आज छत्तीसगढ़ दौरा, सियासी गलियारों में हलचल। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बुधवार शाम छत्तीसगढ़ के दौरे पर राजधानी रायपुर आएंगे। जानकारी के अनुसार दिग्विजय सिंह लगभग शाम 7:30 बजे राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां वो वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और निजी कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इस बीच वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह के अचानक छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर सियासत गर्मा गई है, क्योंकि संसदीय सचिवों और निगम मंडलों में नियुक्ति के बीच दिग्विजय सिंह अचानक छत्तीसगढ़ प्रवास आ रहे हैं। रायपुर नगर निगम जोन 2 का स्टाफ पाया गया कोरोना संक्रमित, दफ्तर हुआ सील। डोर टू डोर यूजर चार्ज वसूली की आशंका से हडकंप, नगर निगम जोन 2 के दफ्तर को सील कर दिया गया है। शहीद स्मारक स्कूल परिसर में है जोन कमिश्नर का ऑफिस। जोन 2 में स्टाफ के पॉजिटिव आने के बाद दफ्तर को सील कर दिया गया है। डोर टू डोर यूजर चार्ज वसूली के दौरान संक्रमण की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही दफ्तर को भी पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में अब तक 4389 कुल पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राज्य में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1084 हो गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, इन युवाओं में धैर्य नहीं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सचिन पायलट पर तंज कसा है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि सचिन पायलट की हरकतें पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है। इन युवाओं में धैर्य नहीं है। इनके साथ ही दिग्विजय ने सचिन पायलट को धैर्य रखने की सलाह दी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि सचिन पायलट को सांसद, केंद्रीय मंत्री, राजस्थान पार्टी प्रमुख और डिप्टी सीएम बनाया गया। उनकी उम्र क्या है, वह अभी भी युवा है, उसे थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। उनकी हरकतें पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है। इन युवाओं में धैर्य नहीं है। सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की प्रक्रिया शुरू, स्पीकर ने भेजा नोटिस। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्पीकर ने पायलट समेत 19 विधायकों को नोटिस भेजा और 17 जुलाई तक जवाब देने को कहा है। ये नोटिस विधायकों की सदस्यता खत्म करने के लिए भेजा गया है। बेहतर नतीजों में दक्षिण भारत का दबदबा, दिल्ली रिजल्ट बीते साल से अच्छा लेकिन नोएडा से पिछड़ा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस साल के 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। हर साल की तरह इस साल भी लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से 3.17% बेहतर रहा। छात्रों को रिजल्ट का लंबा इंतजार करना पड़ा, जो आज जाकर खत्म हुआ है। त्रिवेंद्रम का प्रदर्शन इस बार सबसे बेहतर रहा और 99.28% परीक्षार्थियों ने बोर्ड के पेपर को सफलतापूर्वक पास किया। दूसरे नंबर पर चेन्नई का प्रदर्शन रहा, जहां 98.95% परीक्षार्थियों को सफलता मिली। तीसरे नंबर पर बेंगलोर रहा, जहां पास परसेंट 98.23 रहा। गुवाहाटी का प्रदर्शन बाकी राज्यों से सबसे कम रहा, यानी कि 79.12% रहा। विद्या बालन और सानिया मल्होत्रा की जबरदस्त एक्टिंग, मजेदार है ट्रेलर। विद्या बालन की आने वाली फिल्म शकुंतला देवी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में विद्या बालन मैथमेटिशियन शकुंतला देवी के किरदार में नजर आ रही हैं। फिल्म में विद्या अपने पिछले किरदारों के मुकाबले बेहद अलग लग रही हैं। इसमें सानिया मल्होत्रा, अमिता साध मुख्य किरदारों में नजर आ रहे हैं।
फिल्म में ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से मशहूर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने वाली शकुंतला के निजी जीवन और यहां तक पहुंचने के सफर को दिखाया गया है। टीवी शो इश्क बाज फेम रेनू पारिक को हुआ कोरोना, हॉस्पिटल में एडमिट। टीवी एक्ट्रेस रेनू पारिक कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। एक्ट्रेस ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। रेनू ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर बताया है कि वे कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाई गई। वे हॉस्पिटल में हैं और रिकवर कर रही हैं। रेनू ने लिखा, कुछ दिनों पहले मैं कोरोना पॉजिटिव पाई गई, अब मैं हॉस्पिटल में रिकवर कर रही हूँ। मुझे और मेरे परिवार को अपनी प्रार्थना में रखिए। मैं कोरोना वॉरियर्स के शुक्रगुजार हूँ जो इस डरावने समय में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।